हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोटो मोटी वंस अगेन। मेरे साथ है आज बजाज का N150। नाउ क्या चेंजेस है इसमें, सरप्राइजिंगली आप देख सकती है यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विद ब्लूटूथ के साथ। नाउ इसमें 2024 में बजाज ने पहली बार अपने किसी बाइक में जो है ब्लूटूथ इंट्रोड्यूस किया। उसके साथ साथ N150 जो था उसमें भी चार मेजर अपग्रेड किया। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता दूंगा। साथ में बता दूं N160 जो है उसमें भी आपको ब्लूटूथ एंड जो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है देखने को मिल जाएगा। बाकी नाउ फिलहाल मेरे पास है बजाज का N150 160 जो है अभी तक जो है शोरूम में नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। बात यह है कि इस अपडेट के चलते बजाज ने 3000 रुपीज जो है इंक्रीज कर दिया अपने प्राइस में। क्या ये जो प्राइस इंक्रीज किया ये जस्टिफाई करता है ये अपडेट को, चलिए देखते हैं वीडियो। बाद में आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो अपडेट किया है इसके साथ ये प्राइस क्या जस्टिफाई हुआ है नहीं। बॉडी फ्रेम, चेसिस, हार्डवेयर सब कुछ सिमिलर है। इसका वायरिंग चेंज है, डिस्प्ले चेंज है, स्विच गियर चेंज है एंड ब्रेक चेंज है। ना डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस दोनों का जो ये दो है सेम ही वेरियंट है। फिलहाल ये जो बजाज पल्सर N150 आपको दो कलर ऑप्शन मिलेगा। प्रीवियसली ब्लैक एंड व्हाइट कलर के साथ मिलता था, नाउ आप देखेंगे एक ब्लैक एंड ग्लॉसी रेड। तो रेड बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी डे टाइम में, देख सकते हैं आप यहाँ पे वीडियो में। नो ये दो कलर फिलहाल अवेलेबल है, दोनों का प्राइस सेम है, दोनों में ही आपको एक ही वेरिएंट लाइक कोई दूसरा वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। नो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में। तो सब लोगों ने तो देख ही लिया होगा अभी आपको इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रीवियसली सेमी डिजिटल मिलता था, टेकोमीटर जो था एनालॉग में था, वो अभी नहीं है, फुल्ली डिजिटल क्लस्टर में है। एंड यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्ले मिल जाता है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, यहाँ पे आपको फ्यूल गॉच मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है टेकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप, ABS, इंजन मल फंक्शन, यहाँ पे आपको देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर बोथ साइड में मिल जाता है। एंड यहाँ पे और क्या है आपको यहाँ से मोड बटन से मिलेगा, ये जो है मोड बटन दिया गया है एडिशनली। यहाँ पे देखेंगे तो पल्सर ये जो है ब्लूटूथ पेयरिंग करने के लिए अपने बाइक को जो ऐप से डाउनलोड करके कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको एक आने वाले वीडियो में बता दूंगा। हम यहाँ पे ब्लूटूथ यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस टू MT कितना KMPL तक ये गाड़ी जाएगा फ्यूल टैंक के हिसाब से एंड एक्चुअल जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी शो करेगा इस बाइक में जो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे है ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, इंटर वार्निंग कुछ दिखा रहा है, इंटर सेटिंग। तो अभी ब्लूटूथ तो है इसके साथ, टर्न बाई टर्न नेविगेशन है या नहीं ये तो फिलहाल पता नहीं, हो तो राइडर के जब रोड पे चलेगा उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन होगा। इसमें आपको इनकमिंग कॉल, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, बैटरी चार्जेस, नेटवर्क ये सब मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ स्विच गियर में आपको एक एडिशनल स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो पास एंड हाई बीम है वो आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है यहाँ पे। एंड चुकट है मोड बटन एडिशनली जो डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे, हॉर्न वही सेम पल्सर का जो तगड़ा टाइप का हॉर्न, एंड अदर हैंड आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच एंड इंजन स्टार्टर। रियर व्यू मिरर फिलहाल यहाँ पे लगाया नहीं गया, डिलीवरी के टाइम आपको मिल जाएगा। वो आपको सेम जो प्रीवियस मॉडल में मिल जाता है सेम टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं टैंक के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे E20 का बैजिंग किया है। एंड ये जो बाइक है BS6 OBD2 E20 फ्यूल कंप्लेंट है। ग्राफिक्स का बहुत अच्छा काम किया है, चाहे ये रेड कलर या ब्लैक में भी देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोनों ही अपने अपने हिसाब से। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ और चेंजेस नहीं किया हार्डवेयर और बॉडी में। यहाँ पे देखेंगे पल्सर का 3D मेमलेन किया हुआ बैजिंग मिल जाता है जो प्रीवियसली था सेम टाइप का मिल जाता है। टैंक एक्सटेंशन भी देखेंगे यहाँ पे मस्क्यूलर टाइप का डिजाइन, और ये जो है फाइबर मटेरियल का आपको एक्सटेंशन दिया गया है। एंड इंजन कॉल भी आपको खूबसूरत रेड कलर के साथ अगेन एंड दिया गया। यहाँ पे इंजन सेम रखा गया, कोई चेंजेस नहीं किया, सेम 149 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन दिया गया, OBD2 वर्जन है एंड FI है ऑब्वियसली। एंड पावर की मैं अगर बात करूँ इस बाइक में आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा 14.3 BHP के आसपास मैक्सिमम पावर एंड 13.5 Nm के आसपास में आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। 5-speed गियर वर्क के साथ ये आता है एंड गियर लीवर आप देख सकते हैं स्टाइलिश तो है ही, विथ साइज 10 सेंटर स्टैंड बोथ मिल जाता है, विथ साइज 10 इंजन किल स्विच। एंड फ्रंट फेंडर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डुअल एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया है, रेड जो एक्सटेंशन है यहाँ पे भी देखेंगे, जो फेंडर का टेल एक्सटेंशन है यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है। तो एलिमेंट बहुत सारा ऐड किया है, आप लोग मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ये तो सेम ही है, यहाँ पे 31 mm डायमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। फ्रंट में ABS का बैजिंग देख सकते हैं, ये जो बाइक है सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट में ही दिया गया है। हैंड फ्रंट में आपको 260 mm का आपको डिस्क मिल जाता है, ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है। एलॉय का डिज़ाइन सेम रखा गया, कोई चेंजेस नहीं किया। जो N150 है, N160 का एलॉय आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन रहता है N160 का, तो N150 में ऐसे ही दिया गया है, 3 spoke के साथ 6 alloy करके। एंड यहाँ पे 17 inch का सेम MRF का नाइलॉन ग्रिप ज़ैपा दिया गया है। सेक्शन जो है 90x90 17 inch का आपको ट्यूब लेस टायर मिल जाता है द रियर साइड। एंड इस साइड में देखेंगे आप, गाड़ी तो है ही मस्क्यूलर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बहुत अच्छा किया है। पल्सर का बैजिंग भी आपको 3D में मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB चार्जिंग सॉकेट, जो अगेन एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। आप कहीं बाहर रहते हैं, हमेशा फ़ोन से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आपको ऑन द गो फ़ोन या अपना कोई भी गैजेट हो जो USB से चार्ज दे सकते हो। एंड यहाँ पे अभी भी आपको किक स्टार्टर का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी आपको एक अपर हैंड मिल जाएगा एडवांटेज यहाँ पे। हैंड इंजन कॉल देख सकता है, यहाँ साइड में आपको ब्रेक लीवर एंड पिलियन एंड जो राइडर फुट ब्रेक है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का, ये भी एल्यूमिनियम का है, ब्लैक कलर में किया गया है। एंड रियर सेक्शन में यहाँ पे डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस किया है ये वाला वेरिएंट में, जो प्रीवियसली हम लोगों को सिर्फ ड्रम ब्रेक ही मिलता था रियर में, अभी इसमें आपको डिस्क मिल रहा है। 240 mm का आपको डिस्क मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर। एंड रियर का जो टायर सेक्शन है वो है 120x80 सेक्शन का 17 inch का ट्यूबलेस टायर, यहाँ पे भी MRF नाइलो ग्रिप जैपा दिया गया है। एंड रियर में देखेंगे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि राइडर एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। टेल सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे 150 का बैजिंग और स्टिकरिंग भी देख सकता है। एंड एज यूजल यहाँ पे सिंगल टाइप ग्रैबरेल आपको मिल जाता है, अभी भी इसमें स्प्लिट टाइप ग्रैबरेल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सीट भी आपको यहाँ पे सिंगल टाइप सीट मिल जाता है, और सीट काफ़ी वाइडर है गाइस, आप देख सकते हैं मेरा हाथ से ज़्यादा वाइड है, तो कंफर्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिलने वाला है। सीट का सॉफ्टनेस भी बहुत तगड़ा है। एंड टर्न इंडिकेटर इसमें अभी भी आपको बल्ब वाला ही मिल रहा है, एंड ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है, यहाँ पे अभी भी LED इंट्रोड्यूस नहीं किया इस साइड में। बाकी इस बाइक का ओवरऑल वेट की मैं अगर बात करूँ, 145 kg का अप्रॉक्सीमेटली इसमें वेट मिलेगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की भी अगर मैं बात करूँ, तो 165 या 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक से आपको मिल जाएगा, तगड़ा है। एंड सीट हाइट भी 780 mm के आसपास मिल जाएगा, यानी कि डेफिनेटली बड़ी इजीली आप ये ड्राइव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अगर मेरा हाइट है 5.11, तो मैं बाइक में अगर आता हूँ तो मेरा पैर जो है, एक पैर अगर मैं ऐसे रख देता हूँ तो दूसरा पैर आपको और मेरा टो पे आ जाता है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका हाइट कैसा रहेगा। एंड हैंडलिंग भी बहुत अच्छा होने वाला है, बाकी 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज भी आपको सेम अप्रोक्सीमेटली 45 से 48 KMPL के बीच में मिलेगा, जो प्रीवियसली मिलता था, क्योंकि इसमें जो है इंजन में तो कुछ चेंजेस किया नहीं, बाकी जो प्रीवियसली इंजन था सेम इंजन है। एंड माइलेज जो है वो डिपेंड करता है आप कैसे राइड कर रहे हैं, किस कंडीशन में राइड कर रहे हैं, उस सबके ऊपर आपका माइलेज जो है इफेक्ट हो सकता है। तो ये था 4 मेजर अपडेट, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक कैसा लगा। नाउ इस सब अपडेट के साथ ये बाइक जो है 4000 rupees अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हो गया जो अपने प्रीवियस प्राइस से, एंड क्या ये भी जस्टिफाई करता है मेरे हिसाब से। तो गाइस अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है बाइक में, अपडेट होता है, तो उसके साथ प्राइस भी बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और इन केस आप लोग डानकुनिया इसी के नियरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई भी बजाज प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो डानकुनी ऑटोमोबाइल्स बजाज। एड्रेस फ़ोन नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप अगर डानकुनिया इसी नियरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई भी बजाज प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा, एंड देखता हूँ अभी पता नहीं इस गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं, ये तो मैं देख सकता है, मैं गोडाउन में हूँ, तो अगर फ्यूल होगा तो मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। एग्जॉस्ट नोट सेम ही रहेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, ऐसे और मज़ेदार और न्यू वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। नाउ पता नहीं ये गाड़ी स्टार्ट होगा कि नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो गाइस स्टार्ट हो गया, आप एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं एज यूजुअल, एक हेवियर साइड में तगड़ा एग्जॉस्ट नोट आपको मिल जा रहा है। एंड तो N160 जब लॉन्च हुआ था उस टाइम के साथ ही, उस टाइम से इसका एग्जॉस्ट नोट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ गया था। एंड यहाँ से भी आप देखेंगे एक्स्ट्रा नॉइज कुछ नहीं मिलेगा, सुपर स्मूथ है।
एंड इस साइड में बाई फंक्शनल एलईडी आपको मिल जाता है एंड स्विच क्वालिटी जो है स्विच गियर्स में भी आपको वाइट कलर में ये जो है बैकलिट एलईडी ग्लो हो गया। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं ये जो है टेकोमीटर, मैं थोड़ा अगर रेप करता हूँ तो देख सकते हैं एग्जॉस्ट नोट तो काफ़ी खूबसूरत है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। टाटा।